हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए यूपी टेट में जो हम लोग घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ईवीएस से रिलेटेड, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुका हूं। इसमें दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हम हर सेट में करते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाए दोस्तों, उसको आप सही से कहीं लिख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद करते हुए चलने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि संथाली निवासी हैं कहाँ के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत के या फिर पूर्वी भारत के। चार ऑप्शन में बताइए कहाँ के हैं। देखिए दोस्तों, संथाल जनजाति जो है वो भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत राज्यों, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में है। तो याद रखिएगा, तो आपको आंसर करने पड़ेगा पूर्वी भारत में। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। सभी को पता होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग हमारे जो अंतरिक्ष है, आकाश है उसमें कुल कितने तारामंडल हैं। 88 तारामंडल हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए क्या है, डेटम रेखा क्या है। डेटम रेखा से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसको डेटम रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामले। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आप सभी को पता होगा, समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इस बात पर भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। साथ में जो हमारी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची हैं जो प्रेजेंट टाइम पर, जो सातवीं अनुसूची है उसमें राज्य और संघ तथा समवर्ती सूची के विषय शामिल किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा समवर्ती सूची का इन चारों ऑप्शन में जो विषय है दोस्तों, वो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राज्य का कौन सा विषय है, संघ का कौन सा विषय है, समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। तो जैसा कि मैं आपको PDF प्रोवाइड कराता ही हूँ, मैंने आपके लिए यहाँ पर मोस्टली जितने विषय हैं आपके समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची से रिलेटेड, देखिए इससे संबंधित अनुच्छेद भी याद रखिएगा 246 है। सारे के सारे विषय दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए प्रोवाइड करा दिया है तीनों सूचियों के। तो एक बार इन पे नज़र मान लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो मैं आपको ये PDF जैसे प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको इससे देखना है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पिछले सेट में हम लोगों ने भारत की नागरिकता के बारे में बात करी थी, जो एकल नागरिकता है, तो मैंने आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नागरिकता वाला क्वेश्चन जैसे ही आए तो आपको भाग दो याद होना चाहिए कि भाग दो में शामिल है। अनुच्छेद 5 से 11 पता होना चाहिए कि 5 से 11 अनुच्छेद दिए गए हैं नागरिकता में, और ये ब्रिटेन से ली गई है, इतनी बात आपको नागरिकता वाले क्वेश्चन से पता होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रपति किसको शपथ नहीं दिलाता है, तब हम लोगों ने वहाँ पर देखा था उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाता है, क्योंकि उसका भी निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष प्रणाली की तरह, राष्ट्रपति की तरह होता है। तो दोस्तों, उसके निर्वाचन में जो निर्वाचक गण होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब आप सोचते होंगे कि ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 है, इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। इस बात को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे अपने भारत के, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उनका समय 1952 से 1962 तक था। दूसरे नंबर के जो थे दोस्तों, वो जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन जो थे दोस्तों, वो उनका समय 1962 से 1967 था। प्रेजेंट टाइम पे वेंकैया नायडू हैं।
और दोस्तों ये जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से समझनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा आया है कि बताइए भैया 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में। अब आपके माइंड में 8 मार्च होगा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, तो 13 फरवरी को भी महिला दिवस मनाया जाता है, वो होता है राष्ट्रीय, और वो दोस्तों याद में मनाया जाता है सरोजनी नायडू के, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान था राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, इन्होंने भाग लिया था। साथ में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो वो सरोजनी नायडू को बोला जाता है। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था, 79 में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। इनकी 135वीं जयंती पे ये स्टार्ट किया गया था और 2014 से ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। अगले प्रश्न भी पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांग्रेस, भाजपा, CPI और अकाली दल। देखिए कांग्रेस, भाजपा और CPI ये राष्ट्रीय दल हैं। कैसे दल हैं? ये राष्ट्रीय दल हैं, जबकि जो ये अकाली दल दिया गया है ये पंजाब का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। देखिए हमारे जो देश में पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, इसको दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह दर्जा प्राप्त हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अपने देश का जो भाग है वो कौन सा है, तो भाग 9 में है, बहुत क्वेश्चन आपके टेट में पूछा जाता है। साथ में ये कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची आपको याद रखनी है अनुसूची 11 में है। अनुसूची कौन सी? अनुसूची 11 में है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या बोलते हैं। तो आपके सामने अगर लिखा होता रेटिना तो आप खटाक से आंसर कर देते, लेकिन रेटिना ना लिख करके दृष्टिपटल दे दिया तो हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ओके। अगला देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों जो पौधे मिट्टी नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं लवणोद्भिद उनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट, याद रखिएगा। अब ये जीरोफाइट पता है मरुस्थल में उगने वाले होते हैं, इनको याद रखिएगा। आगे देखिए, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा होता है। तो चाय हो गया और कॉफ़ी हो गया, उसमें कैफीन पाया जाता है, ये एक उत्तेजक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये माइंड में एक बीमारी हो जाती है, अपने माइंड में जो डोलोमाइन ऐसे कुछ होता है उसमें को कम करता है, जब ये बीमारी हो जाती है तो उसका क्षय हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो जिनको नोबल पुरस्कार मिला था वो है दोस्तों आर्विड कार्लसन, बस इतना याद रखिएगा, आर्विड कार्लसन। अब कैसे याद करोगे, देखिए इसमें पार्किंसन में देखिए उड़न की छोटी ई की मात्रा और उड़न की रा लगी हुई है, तो जितने ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा आपको बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा और उड़न की राह दिखें बस वही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ देखो, इनको नोबल अवार्ड मिला था तो इनका नाम भी अवार्ड जैसा है, आर्विड ऐसे क्या करिए कोड कर लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। देखिए मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी, लेकिन जो ऑक्सीजन थी वो बिल्कुल नगण्य मात्रा में उपस्थित थी, तो क्वेश्चन में नगण्य के हिसाब से पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो तारीख बताइए। तो ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। अब आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसे ये पूछेगा कि इसकी घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी। तो सबसे पहला जो पर्यावरण संरक्षण पर मानव पर्यावरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में, उसमें इसकी घोषणा हुई थी। सबसे पहले ये मनाया जो गया था वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
बाकी आपको थीम याद करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पारस्थिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है। देखिए दोस्तों, पारस्थिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, जो ये पूरा पारस्थिकी तंत्र है उस पर जो हम लोग मानो हैं, हमारी एक क्या होती है, मांग होती है, तो उसको ऐसे शो करते हैं कि ये होता है पारस्थिकी पदछाप, यही बोलते हैं इसको। तो बस इसको इतना याद रखिएगा, भूमंडली हेक्टर, इसकी इकाई क्या होती है, भूमंडली हेक्टर। हम लोग भूमि पर अपने पदछाप की मांग करते हैं कि हमको इतनी हेक्टर जो है ज़मीन चाहिए, ऐसा बोल देते हैं, तो आप समझिए कि वहाँ से इसको आपको याद रखना है। अगला देखिए, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है रेड डाटा बुक में जितने जीव संकट में होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है, गुलाबी पन्ने पर, हरे पन्ने पर, ये तो पता ही होगा। ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का क्या फुल फॉर्म होता है ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर नेचर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, मार्कस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है। ओजोन परत दोस्तों आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से 30 की ऊंचाई पर रहती है, तो ये आपका हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब आयन मंडल जिसको बोलते हैं, आयन मंडल बोलते नहीं, संताप मंडल बोलते हैं जिसको, जहाँ पर वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर उसे ही बोलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन के लिए क्षयकारी कौन सी गैस होती है, तो CFC होती है, है ना, इतनी बातें आपने। सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र कौन से गोलार्ध में पाया गया, दक्षिणी गोलार्ध में पाया गया, कहाँ, अंटार्कटिका पे। सबसे पहले इसकी खोज किसने पता लगाया था, तो ब्रिटिश एक दल था उसने पता लगाया था। इतने ही क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ओजोन से रिलेटेड। आगे देखिए, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है। देखिए वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास के लिए वन को काटते हैं, वहाँ पर लोग घर बना रहे हैं, फिर कृषि योग्य उस भूमि को कर देते हैं, तो वन का ह्रास कैसे हो रहा है, औद्योगिक विकास की वजह से। आगे देखिए कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क उसी को बोलते हैं जो कर्नाटक का नागर होल नेशनल पार्क है, नागर होल नेशनल पार्क का ही अन्य नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, कहते हैं मनवांडर अभ्यारण्य झारखंड के किस में है, तो ये तो पता चल गया झारखंड में है, इसको डा इसका इससे उठाइएगा, इससे डा से मिला दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पूछ दे कहाँ है, तो झारखंड ऐसे मिला दीजिएगा। अब इसका ट्रिक बताऊं, देखिए बार बार पढ़िए इसके, मऊआडार लातेहार, एक जैसा साउंड निकल रहा है ना, तो बस इसको यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा कि लातेहार जिले में है। मैं तो दोस्तों ऐसे ही याद करता हूँ, आपको याद हो जाए तो आप भी कोशिश करिएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। अब ये तो आप देखते ही बता दोगे कि ऊर्जा स्रोतों में जो सौर सेल होता है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन मफलर बताइए किससे संबंधित है, ये तो बहुत अच्छे से मैंने आपको EVS में पढ़ा रखा है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, तो उनके चारों तरफ क्या किया जाता है, 4 से 5 जो होती है कतारें पेड़ों की लगा दी जाती हैं, जिससे वहाँ से जो ध्वनि जाए उसको वो अवशोषित कर लें और ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा ना हो, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है, डाब्सन होती है, ये हम लोग डेसिबल होती है, ठीक है, डाब्सन तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है, ये भी याद रखिएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे का प्रयोग लिया जाता है, बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, क्लोरीनीकरण आप पता है ना, तो क्लोरीन का लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार के परिवर्तन कहलाता है। देखिए जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो कहलाता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन, अगर होता तो आप आसानी से बता देते, बट म्यूटेशन नहीं है इसलिए आपको बताना पड़ेगा, उत्परिवर्तन कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहते हैं अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए कल हमसे दोस्तों हमारे वीडियो पर एक कमेंट आया था कि सर EVS में जो है
करंट अफेयर कहाँ से आने लगा? देखिए मैंने तो आपको बता देता हूँ, मैं आपको घटना चक्र की बुक का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। अब जिन्होंने ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उन्होंने सोचा है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे जाते हैं वो आपके राज्य से रिलेटेड ही होते हैं, तो बिल्कुल आपके जो नए नए मुद्दे होते हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपने EVS में एक से दो जो मेन क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते चलिए, आपका जो सुपर टेट होगा भविष्य में उसके लिए भी तैयार होते चल रहे हो। बाकी EVS में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन याद करने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो करंट का क्वेश्चन आए उसको मैं वहाँ पे ट्रिक से बताऊँ, तो आप ध्यान रख सकते हैं उसको लंबे समय तक। देखिए अगस्त 2020 में किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों देखिए ये गिरीश चंद मुर्मू की जगह बने थे मनोज सिन्हा, ठीक है। गिरीश चंद मुर्मू की जगह मनोज सिन्हा बने थे अगस्त 2020 में, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2020 में कौन यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किए गए? तो बच्चों को जो होता है, अगर आप आशीर्वाद दोगे तो कहोगे आयुष्मान भव ऐसे कुछ दोगे, तो बस आयुष्मान खुराना से याद रखिएगा कि फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आपने आशीर्वाद दिया आयुष्मान, तो आयुष्मान खुराना। बट ये 2020 का है, सितंबर 2020 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 148 नंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। आपको पता है ना संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, तो केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? तो केंद्र सरकार मोदी जी के टाइम पे वर्ष 2015 इसका राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 16 अक्टूबर 2020 को उच्चतम न्यायालय ने पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया? देखो उत्तर प्रदेश आ रहा है इसमें, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन आपका। तो वो दोस्तों थे न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पे आया है पराली से एक बिस्किट आता है पार्ले जी, तो पार्ले जी याद कर लीजिए कि मगन होकर के, बिल्कुल मस्त मगन होकर के मदन खा रहा था, तो बस ये मदन वाला नाम आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि मदन भी लोकुर से रिलेटेड समिति थी, वो न्यायमूर्ति थे उसके। लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है, 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शती समारोह के उपलक्ष्य में कितनी राशि का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? अब देखो ये तो सिंपल सा है, 50 रुपये का थोड़ी सिक्का जारी करेंगे, छोटा सा सिक्का क्यों जारी करेंगे, 500 रुपये का भी सिक्का नहीं जारी करेंगे, 200 को कोई सिक्का होता है क्या? तो बस आप याद रखिएगा 100 रुपये। यहाँ पे देखिए ऐसे याद करिएगा, जन्म सती तो सती से 100, बस 100 रुपये हो गया। तो ये हो गए दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। डेली अगर 30 क्वेश्चन इस तरीके के आप 15-20 मिनट में याद करते हुए चल रहे हो, उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन भी करता रहता हूँ मैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज हमारे 6 सेट पूरे हो चुके हैं, बचे हैं 4 सेट।